हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा आईफोन 16 प्लस फ़ोन है तो आईफोन 16 प्लस फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर आप कैसे अपने फ़ोन में कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह को कैसे ब्लैक लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और नंबर्स को ब्लैक लिस्ट में कैसे कर सकते हैं, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सिंपली आप देखते हैं आइकन शो हो रहे हैं, तो जैसे आप फ़ोन आइकन्स कॉन्टैक्ट पे करते हैं तो इसमें से कोई भी कॉन्टैक्ट आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर ब्लॉक कॉलर ऑप्शन आ रहा है तो इस पर ब्लॉक कॉन्टैक्ट कर देंगे तो कॉन्टैक्ट नंबर ब्लॉक हो जाएगा, और इस तरीके से चाहें तो इसको अनब्लॉक भी कर सकते हैं। और साथ में जैसे आप किसी भी अननोन नंबर को ब्लॉक करना चाहें तो इसके लिए बस सिंपली सेटिंग्स पे जाना है, फिर आपको ऐप सेटिंग्स पे जाना है, यहाँ पर आपके फ़ोन आइकन्स आ जाएगा। देखते हैं कि फ़ोन आइकन्स आ जाएगा, इस पर जाएंगे तो आपको ब्लॉक कॉन्टैक्ट दिख जाएगा, जहाँ से बस आपको न्यू कॉन्टैक्ट ऐड कर लेना है। या फिर आप देख सकते हैं कि जैसे हम इसको बैक कर लेते हैं, कैंसिल करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आप कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं और नंबर्स को इस तरीके से ऐड कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर ब्लॉक हो जाएगा और ब्लैक लिस्ट में शो करेगा। तो इस तरीके से भी नंबर्स को ब्लैक लिस्ट में आप कर सकते हैं और ब्लॉक कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।